हाय गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वसीम, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्टर डब्ल्यू जे फॉर कम्युनिटी क्लासेस। गाइस इट्स डे 22, वी विल कंटिन्यू मॉडल एंड टुडे टॉपिक विल बी नीड। बट बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन WLJ। गाइस वी विल डिस्कस टुडे नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट नीड इज बोथ मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट नीड एज ए मेन वर्ब। पहले हम लोग पढ़ेंगे नीड एज ए मेन वर्ब। जब हम मेन वर्ब के तौर पर लेंगे तो ये हमेशा इन्फिनिटिव को फॉलो करेगा, यानी कि 2+ V1 को लेगा। तो हम सबसे पहले सेंटेंस देख रहे हैं, ये प्रेजेंट में, वी नीड टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, हमें अपने इंग्लिश सुधारने की जरूरत है, आवश्यकता है। सी नीड्स टू लूज वेट, उसे अपना वेट कम करने की जरूरत है, आवश्यकता है। दे नीड टू ज्वाइन WLJ फॉर इंग्लिश, उन लोग को इंग्लिश के लिए WLJ ज्वाइन करने की जरूरत है। इसी तरह से यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू डू दिस, आपको वहां जाने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है, कोई काम करने की जरूरत है, उसमें हम नीड का यूज करेंगे 2+ V1 के साथ प्रेजेंट में। यह अफर्मेटिव है। नेगेटिव बोलेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। यू प्लूरल है इसलिए डोंट का यूज हुआ। यू डोंट नीड टू वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता कर चिता चिता। ही सिंगुलर इसलिए क्या लगा, डजेंट, ही डजेंट नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव में बिल्कुल टेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर में डज नॉट, प्लूरल में डू नॉट का यूज करेंगे। उसी तरह से इंट्रोगेटिव होगा तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे। डू आई नीड टू पे इन एडवांस, क्या मुझे एडवांस में पे करने की जरूरत है। आई सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं और हैव, ये दो इसका प्लूरल लगाते हैं। इस तरह से अगर यू होता तो डू यू नीड टू गो देयर, क्या आपको वहां जाने की जरूरत है, लाइक दिस। डज सी नीड टू थ्रो ए पार्टी, क्या उसे एक पार्टी देने की जरूरत है। अब यहाँ पे सी सिंगुलर इसीलिए क्या लगा है, डज। तो ये ध्यान में रखना है कि सिंगुलर होगा तो डज नॉट नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डस से शुरू करेंगे, प्लूरल होगा तो डू नॉट और डू से शुरू करेंगे। तो ये हो गया नीड इन प्रेजेंट एज ए मेन वर्ब। अब नीड को मेन वर्ब के तौर पे पास्ट में देखेंगे तो हम नीड में लगा देते हैं ईडी, तो ये नीडेड हो जाता है, ये इसका पास्ट रूप हो गया। अफर्मेटिव में लेंगे, यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश देयर, आपको वहां इंग्लिश बोलने की जरूरत थी, यू मेड है ना रॉन्ग इम्प्रेशन बाय स्पीकिंग हिंदी। सी नीडेड टू बाई ए स्कूटी, उसे एक स्कूटी खरीदने की जरूरत थी, तो ये सेंटेंस पास्ट में है। अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो डिडेंट प्लस नीड, यानी कि नीडेड जो था अफर्मेटिव में, डिडेंट के बाद वो फिर नीड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टू डज नीड के बाद हमेशा हम भर्ब का पहला रूप यूज करते हैं। ही डिडेंट नीड टू फेस एनी इंटरव्यू, उसे वहां कोई भी इंटरव्यू फेस करने की जरूरत नहीं थी। दे डिडेंट नीड टू गो देयर, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। अब नीड एक ऐसा डीड एक ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम लोग लगाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में सिंगुलर होता है डज नॉट और प्लूरल होता है तो डू नॉट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव आ जाएंगे क्वेश्चन, डिड आई नीड टू पे इन एडवांस, क्या मुझे एडवांस में पे करने की जरूरत थी। डिड शी नीड टू ज्वाइन जिम, क्या उसे जिम ज्वाइन करने की जरूरत थी। तो एज ए नीड को मेन वर्ब लेते हैं तो बिल्कुल वो प्रेजेंट और पास्ट में अपने टेंस के रूप में यूज होता है और 2+ V1 सभी सेंटेंस में लगाते हैं, इन्फिनिटिव के तौर पर होता है। लेकिन हम नीड को जब मॉडल वर्ब में यूज करते हैं तो ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव वैसे इन्फिनिटिव को बोलते हैं जिसमें 2 के बाद V1 नहीं आता है, डायरेक्ट V1 आता है या 2 के बाद V4 आता है, उसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो एज ए मॉडल ये बेयर इन्फिनिटिव होगा। इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 2+ V1 का यूज नहीं होगा, इसमें 2-D का यूज नहीं होगा। गाइस रिमेम्बर दिस इज वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीड एज ए मॉडल वर्ब। जब हम मॉडल में यूज करेंगे तो सीधे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। यू नीडेंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पे हूँ। अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं कि यू नीड टू गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत है, तो इसका 2 नेगेटिव होगा। एज ए मेन वर्ब लेंगे तो यू डोंट नीड टू गो देयर, अब एज ए मॉडल वर्ब लेंगे यू नीडेंट गो देयर, ये याद रखना है। उसी तरह से नेगेटिव में सी नीडेंट थ्रो ए पार्टी इन इट, उसको इसमें पार्टी देने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। नीड वी स्पीक इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत है। नीड आई पे इन एडवांस, क्या मुझे एडवांस पे करने की जरूरत है। तो एज ए मॉडल वर्ब वी यूज नीड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में यूज करेंगे तो नीडेंट के साथ हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। यू नीडेंट हैव गॉन देयर विदाउट इनविटेशन, तुम्हें वहां बिना निमंत्रण के जाने की जरूरत नहीं थी। हम कई जगह पे बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो 3 डेट्स वाला हाल भी हो सकता है हमारे साथ, एज इट हैपेंड इन द मूवी। सी नीडेंट हैव टोल्ड अ लाई देयर, उसे वहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। दे नीडेंट हैव अब्यूज्ड अस,
उन्हें हमें गाली देने की जरूरत नहीं थी। ये एक तरह से रिपेंटेंस को शो करता है जो पास्ट में है, निडन के साथ है, प्लस धीरे। गाइस, इन नट सेल नीड को हम लोग दोनों तरफ यूज करते हैं, मेन भर के तौर पे और मॉडल के तौर पे। मेन भर में यूज होगा तो ये टू को फॉलो करेगा, डू डैश डिड निगेटिव इंटरोगेटिव यूज करेंगे। एज ए मॉडल होगा तो बेनिफिटिव होगा, इसमें डू डैश डिड का यूज नहीं करेंगे, सीधे निगेटिव इंटरोगेटिव होगा। दैट्स इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच रेगुलरली एंड अटेंटिवली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।